Zen Onion. Assalamu alaikum, welcome back to another episode of my channel. तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड. आपके दिन अच्छे निकले होंगे. आई डोंट नो आपको बताया कि नहीं. जैसा कि अब मैं बहुत टाइम बाहर रहा तो देर हैज़ बिन लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद माई हेयर. काफ़ी बार उड़ गए हैं मेरे. तो अभी मैं कुछ बना रहा हूँ. तो यू विल कम टू नो. तो फ्रेंड्स अभी मैं ये अनियंस को थोड़ा छील रहा हूँ. एक दो अनियन मैंने ले लिए हैं और आपको पता है कि बालों से इंसान की रौनक है. बाल नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता है. तो वैसे भी मेरी आदत थी पहले से, मेरी मतलब अजीब सी आदत थी बचपन से स्कूल में भी इनफैक्ट, कि मैं लंबे लंबे बाल रखता था. इनफैक्ट मेरे स्कूल में एक बार बाल भी काटे गए ऐसे प्रेयर के टाइम पे असेंबली में. तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा अभी यहाँ पे थोड़ा कम हो गए हैं, थोड़ा ऊपर भी कम हो गए हैं, यहाँ पे भी कम हो गए हैं. बहुत सारों ने मुझे रिकमेंड किया है कि अनियन का ऑयल बना के आप मैं यूज़ कर सकता हूँ. तो लेट्स गिव अ ट्राई, देखते हैं कैसा होता है ये. तो अभी ये दूसरा मैंने लिया है, ये दूसरा प्याज है. इसको हम टुकड़े टुकड़े करेंगे, टुकड़े टुकड़े, यू नो. हाँ, छोटे छोटे बिल्कुल. मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में जो प्याज थे उनमें बहुत ही ज़्यादा वो तीखापन होता था, मतलब आँखों से आंसू बहते थे. यहाँ श्रीनगर में मैं ये ऐसे काट रहा हूँ तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ लग नहीं रहा, लग रहा है बट काफ़ी कम. क्या पता वहाँ की क्वालिटी कुछ डिफरेंट हो. बिल्कुल इसको आपने छोटे छोटे पीसेस में कट करना है. तो हमने अभी अनियन को छोटे छोटे पीसेस में वो किया है, कट किया है. तो अभी हम लेंगे एक पैन को हम रखेंगे हीटर पे, और हीटर में रखेंगे 200 पे. हमने हीट रखा हुआ है बिल्कुल माइल्ड मॉडरेट, मतलब बिल्कुल कम, ज़्यादा कुछ नहीं. तो उसके बाद हम लेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल. दिस इज मस्टर्ड ऑयल जो हम घर में सरसों का तेल यूज करते हैं, वही है ये. 1-2 चम्मच, इतने बड़े बड़े मैंने 2 मस्टर्ड ऑयल के लिए हैं. और मेरा जो अनियन है वो भी रेडी है. और इसके अलावा मेरे पास और एक चीज़ है, कोकोनट ऑयल है. ये भी तकरीबन 2 स्पून है, मगर 2 स्पून से थोड़ा कम ही है, 1.5 स्पून करके आप मान लीजिए. और इसके साथ साथ आप अपना ये लहसुन वगैरह, मतलब गार्लिक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं. बट मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, मैंने इससे पहले यूज़ किया था तो मुझे प्रॉब्लम होती है उससे, तो मैंने इस टाइम पे लहसुन को यूज़ नहीं किया. और इसको थोड़ा हीट देनी है, ज़्यादा हीट ना दें, मतलब जैसे धुआं उड़ता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा इसको हीट करना है बस. उसके हीट करने के बाद ये डालना है. अभी जो श्रीनगर का मौसम है अभी भी ठंडी है. 2-3 दिन थोड़ा धूप हुई थी तो लगा था सही है, मगर फिर भी ठंड है तो मुझे काफ़ी ठंड लग रही है. मीडियम हीट पे रखा हुआ है मैंने. थोड़ी देर में मैं इसमें अपनी अनियन डाल दूँगा. तो हमारा जो ऑयल है वो थोड़ा बहुत गर्म हो चुका है, तो इट्स टाइम टू एड सम अनियन पीसेस. हमारे जो अनियन है वो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके. देखो आप देख सकते हैं, मतलब bring it close please, कितना मतलब ज़्यादा इसको बिल्कुल हीट नहीं किया है, थोड़ा सा हीट किया है हमने. कीप इन माइंड मैंने जो कोकोनट ऑयल रखा है वो मैंने साइड में रखा है, ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे. अभी बस मस्टर्ड ऑयल और अनियन है, और ये अनियन का ही थोड़ा सा वो जूस है, अनियन का ही है जो मैंने रखा हुआ था. ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ कुक कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई चीज़ पका रहे हैं खाने के लिए, पर हम ऑयल बना रहे हैं वो भी अपने बालों के लिए. बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है, मैंने यूज़ भी किया है काफ़ी टाइम, बट मेरे बाहर रहने की वजह से थोड़ा
मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ मेंटेन नहीं रख पाया बालों को. आई लव माई हेयर अ लॉट और मेरा इरादा है कि मैं लंबे बाल रखूँगा इंशाल्लाह, मतलब अच्छे खासे लंबे जैसे रखते हैं कंधों से ऊपर. सो इसको 10-15 मिनट के लिए अभी देखो, इसकी जो पूरी कंडीशन है वो चेंज हो गई. इसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है जैसे मैं अभी इससे कर रहा हूँ, इसे तो कुछ है नहीं, ये खुद ही हो जाता है. इसका गोल्डन कलर हो रहा है. कुछ कुछ बड़े बड़े जो इसमें पीसेस थे उसको मैं थोड़ा छोटा कर, इसको मैंने लो फ्लेम पे रखा है तो इसलिए काफ़ी टाइम लेगा ये, तो उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए. देखते हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने भी अपनी जैकेट फेंक दी क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो बहुत देर से मैं खड़ा हूँ. तो अभी बीच में मैंने पुशअप्स भी मारे और मैंने जंपिंग भी की. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भूल गया था कि हमारे जो हमने क्यों इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया, कोकोनट ऑयल यूज़ क्यों कर रहे हैं. आपको पता होगा कि हमारे अनियंस में बहुत चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होते हैं और बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बल्कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें अनियन में, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी के लिए, ऑल ओवर हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है. तो साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे मस्टर्ड ऑयल बड़े यूज़ करते थे उसका रीज़न भी यही होता था, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है. इससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, हमारे बालों की कंडीशनिंग अच्छी होती है, इसके रूट्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और ये सब चीज़ें मतलब मस्टर्ड ऑयल की वजह से होता है. इसलिए हमारे बड़ों के बाल भी अच्छे खासे होते थे, उनका हेयर फॉल भी बहुत कम होता था. इनफैक्ट मेरे माशाल्लाह डैडी के भी अच्छे खासे बाल हैं, मतलब मुझसे गुड स्ट्रांग बाल हैं उनके, और उनके बाल बहुत चमक रहे हैं. और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी बोलते हैं क्योंकि अब वो वाइट हो गए हैं तो बहुत चमक रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं. और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, दिस इज़ कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल शाइनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, स्मूथनिंग, सॉफ्टनिंग, सब कुछ के लिए बहुत ही अच्छा होता है. यू कैन सी दिस इज़ कोकोनट ऑयल. तो जैसा कि मतलब पुराने ज़माने में हमारे जो बड़े थे बुज़ुर्ग, वो लोग ये ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा यूज़ करते थे, तो इसलिए उनकी जो बालों की ग्रोथ थी और उसकी कंडीशनिंग थी, इसलिए वो बिल्कुल आखिरी दम तक उनके साथ बाल रहते थे, मतलब बहुत अच्छे बाल रहते थे. और उनके उनका औरतों में ऐसा होता था कि टाइम होता था कि वो हफ्ते में 2 या 3 बार इसको बहुत ही अच्छी खासी ऑयलिंग के साथ, फिर बाहर बैठते थे धूप में, फिर ऑयलिंग करते थे बिल्कुल अच्छी तरह, तो उनकी मेंटेनेंस अच्छी होती थी. तो ये सारे मैं आपको बताना भूल गया था, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ. तो फ्रेंड्स बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया, जैसे सोना सोना है ये. जब आप बालों में लगाएंगे तो बिल्कुल बाल भी सोना सोना हो जाएंगे आपके. पीछे टाओ, हाँ, आपके बाल भी बिल्कुल सोना सोना हो जाएंगे. तो हमारा जो ये मटेरियल है बिल्कुल रेडी है. तो अब हम गैस को बंद करेंगे, मतलब हीटर को बंद करेंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको ल्यूकवॉर्म होने देंगे. ल्यूकवॉर्म होने के बाद इसमें क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगा. जैन अपनी जगह बैठो. हाँ, तो देवियों सज्जनों, अभी हम इसमें अपना कोकोनट ऑयल ये डाल देंगे, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वाहरे भाई, ये इसी में मेल्ट हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जितना अभी है इसमें कप में वो जमा हुआ था, इतने में ही जम गया. उसको मैं गरम गरम चम्मच से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसमें कोकोनट ऑयल जो है ऐड किया है, और थोड़ा सा हीट इसलिए किया क्योंकि वो कोकोनट ऑयल जो हमारा था वो थोड़ा मेल्ट नहीं था, पूरा मेल्ट नहीं था, इतने में ही वो जम गया था. तो ये अब हम डालेंगे इसमें कलेक्शन के लिए. तो इसके लिए मैंने छन्नी का यूज़ किया हुआ है, तो इसको बिल्कुल फिल्टर करके नीचे डालेंगे. तो हम कैसे डालेंगे वो हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि क्या पता वो गिर जाए, ठीक है. और इसमें आप और एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ऑयल्स आते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, यस
इसमें आप एसेंशियल ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं जो मतलब स्मेल के लिए होता है कि मतलब उसमें फ्रेग्रेंस अच्छी होती है तो आपको अच्छा लगेगा, बट अभी हमारे पास वो चीज़ है नहीं एंड दैट विल नॉट बी अवेलेबल एज ऑफ नाउ. तो मैं लगाने के टाइम पे यू कैन यूज लेमन, तो आपको वो स्मेल जो है इसकी, वैसे इसमें कोकोनट की स्मेल आ रही है तो वो भी बहुत अच्छा है. तो अगर ज़्यादा स्मेल आए अनियंस की तो भाई हमने इसमें क्या किया कि इसको हमने एयर टाइट जार में रखना है, इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा मतलब देर तक हम यूज़ कर सकते हैं फिर. ओके तो फ्रेंड्स हमारा ऑयल बिल्कुल तैयार है और इसकी पैकेजिंग भी हो गई. अब इसकी ब्रांडिंग करेंगे और इसका हम क्या नाम रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे जैन अनियन ऑयल. जैन इसका नाम है. तो अभी हम इसको लेबल करेंगे. एक्चुअली ये रो रहा था तो इसलिए मैं इसको मेरे साथ बहुत अटैचमेंट है इसलिए. सो वी हैव हियर ब्रांडेड जैन अनियन ऑयल. ब्रांडिंग हमारी यही रहेगी अगर हमने कोई नया ब्रांड खोला तो, किसी नए ब्रांड को. ओके तो अब हम इसमें मैं इसमें लिखूंगा जैन. देखो कैसे मतलब बहुत ही दिलचस्पी के साथ देख रहा है जैन अनियन हेयर ऑयल. चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेयर ऑयल जैन अनियन हेयर ऑयल बिल्कुल तैयार है. ये बहुत ही कीमती है, इसने हमारा वक्त लिया, हमारी एफर्ट्स लिए, तो काफ़ी कीमती है ये. तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा जब आप खुद बनाएंगे. तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग द यूजेज कि आप इसका यूज़ कैसे करेंगे. अगर आपने ये घर में बनाया तो आप एक बार इसको टेस्ट करें, कान के पीछे से थोड़ा सा इसमें से निकाल के कान के पीछे से थोड़ा लगाएं और 24 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दें. फिर देखें कि अगर कोई रैशेज है, कोई रेडनेस है, कोई इचिंग है या कुछ भी ऐसा हो, आप एक बार टच करके भी देखें कि कोई फीलिंग आ रही है, सेंसिटिविटी लग रही है या कुछ भी लग रहा है, तो उस सिचुएशन में आप ये यूज़ ना करें तो बेहतर है. और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको ये जो ऑयल है बाहर अगर आप लेंगे मार्केट में तो पता नहीं कितना महंगा आपको मिल जाएगा, और इसमें मे भी इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स भी होंगे. ये जो अभी मैंने बनाया ये मैंने खुद बनाया है और आई होप कि इसमें ज़्यादा कुछ केमिकल वगैरह वो सब ये सब नहीं है. तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार आप ट्राई करें इस ऑयल को, घर में बनाएँ और देखें कि आपके कितने चेंजेस, देखें कि आपके बालों में क्या चेंजेस आती है. मैं आपको 2 या 3 हफ्ते के बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा किसी भी टॉपिक पे, मुझे याद रहा तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि इसका आउटकम कैसा रहा मेरे साथ, तो मतलब इसका क्या रिजल्ट्स कैसे हैं. तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जैन ऑयल बहुत अच्छा लगा होगा, जैन ऑयल. तो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अस्सलामु अलैकुम.